पक्ष गेली 6 वर्ष महाराष्ट्रामध्ये काम करत आहे. 2014 लोकसभेमध्येही पक्षाने चांगलं कामगिरी केली होती. आत्ता 2019 लोकसभेमध्ये महाराष्ट्राचे भाजपचे तेव्हाचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे साहेबांच्या सांगण्यानुसार सुजितसिंह ठाकूर साहेबांच्या नेतृत्वामध्ये व आपले श्रीकांत भारतीय साहेबांनी सांगितल्यामुळे आम्ही भाजप सेनेचं काम केलं होतं. मी स्वतः व माझे पदाधिकारी कार्यकर्त्यांनी 48 लोकसभा क्षेत्रामध्ये जाऊन चांगल्या प्रकारे घवघवीत त्यांना यश मिळवून दिलं. ते काम करताना आमच्या असं लक्षामध्ये आलं की राष्ट्रीय स्वराज सेनापेक्षा ताकद किती महाराष्ट्रामध्ये वाढलेली आहे. त्यामुळे आम्ही 4 सीटांची मागणी भाजपला केलेली आहे. एक मराठवाड्यामधले आहेत, 2 मुंबईतले आहे, 1 पश्चिम महाराष्ट्रामधले आहे. चर्चा चालू आहे, अदलाबदली होऊ शकते. देखो, हमारा पार्टी हिंदुत्वादी पार्टी है. शिवसेना भाजप समविचारी पक्ष से हमारा अब तक जुड़ा हुआ है. भविष्य में भी हम कंटिन्यू करना चाहते हैं. साथ में रहेंगे तो और भी अच्छा है. नहीं पॉसिबल हुआ कुछ कारणों से तो हमारे 152 सीट की अभी तक लड़ने की तैयारी है. अभी इस राष्ट्रीय स्वराज सेना के पदाधिकारी कार्यकर्ता वो जो 152 उम्मीदवार लड़ने वाले हैं वो अभी सामने आपके साथ में ही यहाँ पे है. बड़ा सवाल खड़ा होता है, इस तरह से सेना और भाजपा में इन सीटों को लेकर, सीटों के बंटवारों को लेकर खींचतान चल रही है. सबको पता है कि पॉलिटिकल को भी और राजनीतिक मीडिया में भी चर्चा है. अगर ये यूपी नहीं होती है, दो भागों में बंटता है, भाजपा अलग लड़ती है, शिवसेना अलग लड़ती है, तो आप किसके साथ खड़े होते हैं? अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने. देखते हैं किसके साथ में अपना जमता है, उनके साथ में चले जाएंगे. नहीं तो हमारी ताकत तो है 152 की लड़ने की, वो 200 तक जा सकती है आने वाले चुनावों में. हिंदी हिंदी चलो. राष्ट्रीय स्वराज सेनेचे शिवप्रेमी कार्यकर्ते स्वतः अनेक किल्ल्यांवर जाऊन स्वच्छता जी आहे करण्यासाठी काम करत असतात. आमची पहिली मागणी आहे, जसं शिवकाळामध्ये रायगड होता त्याप्रमाणे शासनाने स्वतः त्यामध्ये विशेष लक्ष देऊन त्याप्रमाणे करून घ्यावं. अनेक बजेट पास झालेले आहे, त्याबद्दल महाराष्ट्राचे लाडके मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांचा मी आभार मानतो की त्यांनी रायगडाला घसघशीत मोठी दिलेली आहे. बातचीत चालू है, इसीलिए उनके पीछे फुटबॉल बनना हम नहीं चाहते. इसके लिए हमने हमारे बलबूते के ऊपर, खुद के 100 बल के ऊपर 152 सीटों की तैयारी की है. देखो ऐसा है, आज घर के अंदर सभी लोग कमाने नहीं जाते, घर का मुखिया कमाने जाता है. तो देश को चलाने के लिए सरकार लोकतंत्र नियुक्त करता है, तो हम किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते. जब जिस पोजीशन में जो सरकार रहती है तो ऑफिशियली उसकी जिम्मेदारी बनती है. देश में और महाराष्ट्र में दोनों ओवरऑल सभी की जिम्मेदारी भाजपा. मैं देखो, मैंने आपको एक ही बात बोला, परिवार के अंदर कमाने वाला मुखिया होता है. तो अगर वो कमा के नहीं लाएगा तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? मुखिया की बनती है. तो आज देश के अंदर, राज्य के अंदर, स्टेट के अंदर जो भी मुखिया बन के बैठे हैं तो जिम्मेदारी ऑफिसर उनकी बनती है. सर, तभी भी आप बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं? देखो ऐसा है, जैसे भैया ने क्वेश्चंस किया था कि दोनों जने जस्ट अभी दोनों में शायद सीटों को बंटवारे को लेकर के बात नहीं बन पा रही है, तो उसी बात को लेकर कहना चाहूँगा कि देखो हमारे मुद्दों को लेकर के, वो विकास के मुद्दों को लेकर के जिस पार्टी के साथ हमारी सहमति बन जाती है उसके साथ हम जाना. आपने जो बोला कि किसानों को जो भाव नहीं मिल रहे उसका पूरा जिम्मेदारी सरकार की जी, तो आज सरकार बीजेपी की है तो आप बीजेपी के साथ. देखो मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, जो व्यक्ति काम करने के लिए खड़ा है और जो व्यक्ति काम करने के लिए खड़ा है, काम करने के साथ में उसकी पावर कितनी है, क्योंकि आज सरकार रूलिंग पार्टी है, आप समझिए रूलिंग पार्टी है, तो पावर उसके पास है. तो ऑफिशियली अगर ऑफर आएगा तो हमारे लिए रास्ते खुले हैं. तो मुद्दा आपका खत्म हो गया.